दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर जिसे देख रहे हो ये है सखुबाई, जिसे इसका पति रस्सी से बांधकर पीटा करता था और इसकी सास भी हमेशा इसे सुनाती रहती थी। लेकिन सखुबाई हमेशा भगवान विट्ठल यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न रहकर 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करती रहती थी। एक बार सखुबाई बाहर पानी लाने जा रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक भजन मंडली भजन करते करते कृष्ण जी की मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर सखुबाई मन ही मन ये सोचने लगी कि काश मैं भी भगवान के दर्शन करने उनके धाम जा पाती। फिर अचानक से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर निकल गई और वो उधर जैसे ही मंदिर निकली, इधर उसके पति को किसी ने ये बता दिया कि सखू मंदिर चली गई है। जब वो घर पहुंची तो उसके पति ने उसे एक मोटे से रस्से से बांध दिया और उसे खूब पीटा ताकि वो दोबारा ना जा सके। लेकिन सखू के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने पति या फिर सास के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं की। अचानक से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने सखू से कहा कि भाई सखू तू उदास मत हो, तू जाना चाहती है ना मेरे दर्शन करने, तू मेरे धाम जा और मैं यहाँ सखू बनकर बंध जाता हूँ। भगवान वहीं पर बंध गए और बाद में जब उन्होंने सखू के पति के पैर को दबाना शुरू किया तो उसका पति पूरी तरह से शांत हो गया और वो भी भगवान की भक्ति में लग गया। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण।